फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल क्लैशिंग अड्डा को और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लैशिंग अड्डा में। फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है छोटा सा अपडेट ट्रिगर है, मतलब एक नया चीज़ आया कुछ देर पहले न्यूज़, यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, क्लैश टॉक टू द बिट साइज वर्जन। तो ये क्या चीज़ है, बहुत जन कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे या फिर सबको कुछ पता नहीं चल रहा होगा इसके बारे में, और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ भी बनेंगे इसके ऊपर। तो मैं चाह रहा था कि ये क्लियर आपको इसके बारे में मैं अपडेट बता दूँ कि है क्या ये। तो मैं आपको सब पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देख लेते हैं क्या है ये। वेलकम बैक दोस्तों, और फिर से मैं बता देता हूँ कि घंटे भर पहले भाई ये न्यूज़ जो टैब है वहाँ पे एक नया न्यूज़ आया है, क्लैश टॉक टू द बिट साइज वर्जन। तो यहाँ पे अगर अंदर जाते हैं आप तो कुछ न्यूज़ मिलेंगे आपको, और मैं क्लियरली पहले बता देना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को और सारे फ्रेंड्स को मेरे कि ये भाई कोई अपडेट ट्रिगर नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर बनेंगे पर आप कन्फ्यूज़ मत होइए। मैं क्लियरली बताता हूँ ये है क्या भाई। जो कुछ दिन पहले Q&A आई थी ना, ये उसी का भाई समरी जैसा कुछ है। यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हैं, मॉडरेटर्स के क्वेश्चंस और ड्रैन के आंसर्स दिए हुए हैं। तो जैसे आप चेक करके देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी क्लैन बी वर्किंग टुवर्ड्स आफ्टर लेवल 10, मतलब लेवल 10 हो जाने के बाद क्लैंस क्या करने के लिए खेलते हैं। तो जैसे उन्होंने आंसर दिया था कि उनके बाद वो पर्क्स क्यों नहीं ऐड करते हैं, इसका मेन रीज़न है कि छोटे जो क्लैंस हैं, जो नए क्लैंस हैं, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। समझ लीजिए, अगर आप 15 लेवल तक क्लैन कर देते हैं और पर्क्स 15 लेवल तक क्लैन जाते हैं, तो जैसे नया क्लैन बनाता है, समझ लीजिए आज मैं एक क्लैन बनाता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि भाई 15 लेवल तक कर पाऊंगा या भी नहीं, तो छोड़ देते हैं, कोई बड़ा क्लैन ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, दो चीज़ के ऊपर मैं बात नहीं कर पाया था पहले, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो में मैं ये दो चीज़ को कवर करूँ। आपको ज़रूर जानना चाहिए ये दो चीज़ क्या हैं। एक है ये एंड गेम चीज़, तो बहुत जन कन्फ्यूज़ हो रहेंगे एंड गेम चीज़ मतलब ये क्या है। तो भाई मैं बता देता हूँ इसका एकदम इजी वर्जन क्या है एंड गेम चीज़। भाई एंड गेम चीज़ ये है कि समझ लीजिए, अगर कोई बहुत सारे गेम्स आप ऑलरेडी खेल चुके हैं, वहाँ पे आपको पता होगा कि कोई भी गेम हो वो स्टार्ट होता है, लेवल एक एक करके बढ़ता है और एक टाइम होता है ना जब एंड होता है, होता या नहीं होता है। जैसे पुराने गेम्स में होते थे कि प्रिंस प्रिंसेस को ढूंढने जाता है, वो एक के बाद एक लेवल पार करता है, और फिर सोच लीजिए 15 या 20 या 25वें एपिसोड पे क्या होता है कि वो फाइनली प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और वो गेम एंड हो जाता है और लिखा होता है गेम ओवर यू वॉन। तो ये है एंड गेम का विजन, कि एंड गेम का विजन क्या है सुपर सेल का क्लैश ऑफ क्लैन के लिए, कि लेवल 12 लेवल 13 टाउन हॉल 14 कभी तो एंड होगा। तो ये क्या है विजन, ये जानने के लिए बहुत जन मॉडरेटर्स पूछ रहे थे। तो इनका जो वो आंसर उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा विजन ये नहीं है कि टाउन हॉल 12 या 13 या 14 में एंड होगा, हम लोग का मेन पर्पस ये है कि वॉर्स खेलने के लिए। समझ लीजिए, अगर ऐसा होता कि टाउन हॉल अपग्रेड ख़त्म हो जाए, टाउन हॉल 12 भी अब रहेगा, कभी 14 कभी 13 नहीं आएगा, तो उनका ये विजन है कि हम लोग ट्रॉफी पुशिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर हम लोग क्लैन वॉर्स को और ज़्यादा बेहतर करेंगे, या फिर कुछ और। मतलब ये चीज़ ऐसा वो लोग नहीं चाहते हैं कि समझ लीजिए टाउन हॉल 14 या 15 में आके ये गेम ख़त्म हो, तो ये लोग ये चाहते हैं कि कुछ नए ब्रांचेस, कुछ नए एस्पेक्ट्स गेम में इंक्लूड करते रहें, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है इन लोग का ये गेम के ऊपर। ये तो सेकंड चीज़ थी। और भाई जो थर्ड चीज़ थी और एक इंपॉर्टेंट, गट फीलिंग, मैच मेकिंग का गट फीलिंग। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या बताया था, मैं उसको ईजी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि गट फीलिंग के बारे में वो ये बात कर रहे थे कि समझ लीजिए मैच मेकिंग होते हैं, समझ लीजिए टाउन हॉल 11 वर्सेस 11, 10 वर्सेस 10, 9 वर्सेस 9। तो आप लोग भी एक चीज़ चेक करते होंगे कि बहुत समय मैच मेकिंग को ठीक नहीं हो पाता है, 10 के ऑपोजिट 11 आ जाता है, 11 के ऑपोजिट 10 आ जाता है, या फिर 9 के ऑपोजिट 10 आ जाता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो एल्गोरिदम है उन लोग का, जो मशीन लोग सर्वर लोग जो सेट करते हैं, वो लोग कभी कभी खुद भी इंटरप्रेट करते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई मॉडरेटर या फिर कोई सुपर सेल का स्टाफ, वो भी चेक करते हैं, और उन लोग का जो गट फीलिंग मतलब अंदर से एक पुकार आती है कि नहीं, ये क्लैन का जो ओपोनेंट है, ये क्लैन का ओपोनेंट फेयर नहीं हो रहा है, या फिर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, या फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंजीनियर बेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ के ऊपर वो लोग बोल रहे थे गट फीलिंग। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, वो लोग बोल रहे हैं व्हाट वी फील्स गुड एंड ए गट लेवल, बट दोज डिसीजंस आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेटा वी कलेक्ट फ्रॉम द गेम सोर्स। मतलब ज़्यादा जो डिपेंड करता है, ज़्यादा जो आइडिया वो होता है डेटा के ऊपर, पर कुछ कुछ वो लोग गट फीलिंग के ऊपर भी करते हैं। गट फीलिंग का मतलब ये है कि समझ लीजिए अगर डेटा उन लोग को 90% मिलता है, तो 10% वो लोग अपने अंदाजे से भी कुछ चीज़ें डिसीजन लेते हैं। तो यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट थे जो बहुत सारे जन कवर नहीं कर पाए होंगे, और आपको भी लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो ये मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको ताकि आपको हेल्प हो जाए।
तो गाइज अगर हेल्प हुई, अगर अच्छा पसंद किया आपने और आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और गाइज तब तक मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।